समय नेशनल देखने वाले सभी दर्शकों का मैं अरुण कुमार गुप्ता एक बार फिर स्वागत करता हूं। जी हां, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 हजार के नोटों की बंदिश लाकर कहीं ना कहीं एक सर्जिकल स्ट्राइक कायम कर दिया है, एक तरफ तो जहां आम नागरिक चिंतित है तो वहीं कुछ आम नागरिक ऐसे भी हैं जिन्हें काला धन जैसे कई ऐसे अहम मुद्दों को लेकर वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। कहीं 500 हजार के छुट्टे को लेकर मारामारी है तो कहीं इस फैसले से लोग काफी संतोष व्यक्त कर रहे हैं। मुंबई के तमाम अलग अलग जगहों पर लोगों की और राजनेताओं की क्या प्रतिक्रिया रही, आइए देखते हैं समय नेशनल की इस खास रिपोर्ट में। 500 हजार रुपए को लेकर किस प्रकार की मशक्कत या क्या कहना है राजनेताओं का, आइए ले चलते हैं मुंबई नईम अहमद के पास, देखते हैं उनकी एक खास रिपोर्ट। मोदी जी के जो बंदे हैं, मोदी जी के चाहने वाले हैं, वो किसी भी चीज को पब्लिक सिटी कैसे करना है उसके बारे में उनका यही तरीका रहता है। इन्होंने जो बंद किया है स्वागत है, काला धन का विरोध होना चाहिए, काला धन के खिलाफ हम सब हैं, पूरा देश है, पूरी जनता है, कांग्रेस तो पहले से ही खिलाफ में है। लेकिन आज आप पूरे मुंबई शहर में देखिए, आज चारों तरफ परेशान है लोग, चाय वाले 500 की नोट नहीं ले रहा, 1000 की नोट नहीं ले रहा, होटल में नाश्ता करने जाओ तो वहां नहीं ले रहे, टैक्सी वाले नहीं ले रहे, रिक्शा वाले नहीं ले रहे, यहां तक हॉस्पिटल के जो लोग हैं, हॉस्पिटल की बिल, आज मैं अंबानी हॉस्पिटल में था, कोटलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में हम नाश्ता करने गए, वहां के काउंटर पे वो 500 की नोट और 1000 की नोट लेने के लिए तैयार नहीं, जब बिल भरने की बात आई वो भी लेने के लिए तैयार नहीं, वो बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाइए। जिसके पेशेंट कल से या परसों से एडमिट है, जिसको बिल भरना है, दवा लेना, आप अचानक बंद की हो, बंद करिए, कोई वो नहीं है। लेकिन इसके लिए कहीं ना तो कहीं आपको समय देना चाहिए, तो लोगों को मौका देना चाहिए। हम सब काले धन के खिलाफ हैं। मुंबई शहर तो ठीक है, यहाँ लोग समझदार है, जान रहे, जो गांव के लोग हैं, आज गांव से फोन आ रहे हैं, कई लोग आए कि बंद हो गया, कैसे क्या होगा, किस तरीके से होगा। महिलाएं अब स्लम में, हम स्लम में रहते हैं, स्लम में आप पता कर सकते हैं, स्लम की महिलाएं जो अपना पेट काट करके एक एक बचा करके रखी हुई थी, वो परेशान है कि हम क्या करें। इसको कहीं जिस तरीके से चाहिए तो उस तरीके से कहीं सही डायरेक्शन या सही जानकारी नहीं दी जा रही है, एक गवर्नमेंट का फेलियर होने जा रहा है। गवर्नमेंट को इस पे, मोदी जी को इस पे कहीं नहीं तो कहीं आगे आनी चाहिए। थैंक यू। पेशे से मैं एक डॉक्टर हूं, अस्पताल चलाता हूं, हमारे यहाँ काफी टाइप के मरीज आते हैं जिनकी सर्जरी की जाती है, नॉर्मल ट्रीटमेंट दिया जाता है, आईसीयू में ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो एक लेपमैन अच्छे से समझ सकता है कि अगर सर्जरी की जाती है तो उसके बाद में 2-3 दिन 4 दिन हफ्ता भर तक दर्द रहता है, परेशानी रहती है, पर सर्जरी अच्छे के लिए की जाती है। उसी तरीके से एक सर्जिकल स्ट्राइक जो है, सर्जिकल ऑपरेशन जो है, काले धन के लिए किया गया है। और डेफिनेटली काला धन आज जो भी बैंक में, स्विस बैंक में रखा गया है, जो कि एंड ऑफ द डे जब इंडिया में आता है तो वो करेंसी में कन्वर्ट होता है, तो उसमें कोई ना कोई और एक्शन जरूर लिया जाएगा, ऐसा मैं समझता हूं, जो कि भारतवासियों के लिए लाभदायक रहेगा। और छोटे वर्ग को भी घबराने की जरूरत नहीं है। आज 100 रुपए की कीमत, 10 रुपए की कीमत और 20 और 50 रुपए की कीमत बड़े बड़े लोगों को समझ में आ गई है। जो 1000 और 500 का नोट लेके जो घुमा करते थे जेब में, आज उनको 100 रुपए की कीमत। तो छोटे नोटों को भी कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, एक ना एक दिन उनका दिन भी आता है। जो चुनाव के वक्त जो मोदी सरकार ने जो वादे किए थे कि ब्लैक मनी हम स्विस बैंक से लेंगे, हर भारतीय के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएगा, बहुत सारे चुनाव मुद्दा था उनका, सबको नौकरी रोजगार दिलाया जाएगा, बहुत सारी योजना था, तो मोदी सरकार कहीं ना कहीं इस चीजों पे भटकती हुई नजर आ रही है। मुद्दा ये नहीं था, ये तो सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा बनाया जा रहा, 3 तलाक का मुद्दा बनाया जा रहा, लेकिन हर मैटर पे मोदी सरकार को जब घेरा जा रहा तो एक फिर नया मुद्दा लाया, खड़ा कर दिया जा रहा। अभी ये जो 500 हजार के नोट पे जो आपत्ति चल रही है, तो सबसे पहले तो उनकी लोगों ने ही पहले कर लिया, ये तो एक बैक मालूम पड़ा उनको 7 बजे शाम में कि भाई नोट बंद हो गया, तो हम तो इसकी स्वागत करते हैं, होना भी चाहिए भाई, लेकिन इस पे पारदर्शिता होनी चाहिए कि सही में करप्शन होना खत्म होना चाहिए, और ब्लैक काला धन जो है, वो जो स्विस बैंक में पड़ा है, वो हमारा मेन मुद्दा है, वो हिंदुस्तान में आना चाहिए। मैं आपको समय चैनल के माध्यम से एक देना चाहता हूं, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं समय नेशनल चैनल का, जो तरीके से घूम टहल की समस्या मसला हल करते हैं, समस्याओं का समाधान करते हैं, और मैं
ये जो आपने कहा कि धन का जो हिसाब मोदी जी ने कहा था कि इलेक्शन में काला धन मैं वापस लूंगा, मोदी जी ने 501,000 का नोट जो किया है उससे काला धन तो आप, लेकिन जो घरेलू औरतें हैं हाउसवाइफ हैं उनके पास जो आप यहां से कपट के बीच इकट्ठा करके रखी 500,000 के वही वापस आया, काला धन कुछ सब विदेशों में ही पड़ा है। और इस मामले को लेकर ये तो 500 नोट के बंद हुए हैं, कितने हस्बैंड और वाइफ में कितने झगड़े मार हुए हैं, कम से कम 2 लोग का मैसेज आया मेरे पास आया कि भाई मैं पैसा रखा था, मतलब मैं पैसा रखी थी, महिला मंडल हमारे साथ में है, लोगों ने बताया मैं पैसा रखी थी, हाँ मेरे हस्बैंड को मालूम 10,000 मेरे पास है, तो बोले अभी तक बताइए इतना कड़की चल रहा था, इतना तकलीफ चल रहा था, और 10,000, 5,000, 500 का नोट जो निकाल तो उनमें आप लफड़ा झगड़ा खूब हुआ, तो ये काला वापस आ गया, जो के था वो काला धन वापस आ गया, लेकिन देशों में काला धन है बड़े बड़े मनीषियों के पास, मोदी जी ले आए तब मैं सहमत हूँ। तो बहुत छोटे तबके वालों को बहुत गलत हुआ है, आज 500 का नोट लेकर 1,000 नोट लेकर लोग रोड पर घूम रहे हैं, उनको छुट्टा नहीं मिल रहा है, और छुट्टा नहीं मिल रहा है वो बहुत तकलीफ झेल रहे हैं आज, और छोटे तबकों के लिए तो मोदी जी ने बहुत गलत किया, ठीक है बड़े लोगों का कोई नुकसान हो सकता है लेकिन छोटे क्या गुनाह किए हैं उनको इस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जो बेचारे दिन भर मजदूरी करते हैं 100-200 कमाते हैं आज बहुत तकलीफ है, घर में राशन लेने के लिए कहीं दुकान पर जाते हैं 500 नहीं मिल पा रहा है, इसके लिए उनको महीना दो महीना पहले से अलर्ट करना चाहिए था कि इस तरह से कदम उनको उठाना है, ये कदम उनको उठाना है, लेकिन उन्होंने जो भी किया बगैर गलत किया उन्होंने, हम और हमारी समाजवादी पार्टी इसका विरोध करती है। जो मुद्दा आया है स्ट्राइक का ये सही है, बसते जो बगैर सूचित किए हुए इसका बंदोबस्त किए हुए जो एक बैग कर दिया गया स्ट्राइक, ये सबसे बड़ा गलत हुआ, क्योंकि आज आम पब्लिक परेशान है इसके लिए, जो पैसा बंद करे या काला धन के लोगों का जो ब्लैक मनी है या जो भी है टैक्स नहीं भरा जो पैसा लोगों ने रखा हुआ है अपने पास वो बाहर जो निकाल रहे उसका स्वागत है, मतलब जो निर्णय लिया होगा उसके बारे में मैं अच्छा ही बोलूंगा बुरा नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा जितने भी नकली नोट है ये सब बाजार से हट जाएगी और नई नोट आएगी, ये अच्छी बात है इसके बारे में, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने जो भी फैसला लिया ऐसा उसके लिए थोड़ा सा एक 8-10 दिन का वक्त दिया जाएगा तो अच्छा, क्योंकि इससे तकलीफ क्या गरीबों को हो, कल नहीं बोलेगा तो मेरे एरिया में 100 तो घर में शायद चूल्हा नहीं जाएगा होगा, लोगों ने 100, 200, 500 में से लेके गए पैसे छुटा था मेरे पे जितना था मैंने उनको दिया भी ऐसा पैसा, क्योंकि ना भाजी वाला पैसा ले रहा है का नोट ले रहा है ना रिक्शा वाला ले रहा है ना कुछ है जो भी है वो लोग ना कोई पैसा, तो ऐसे बहुत हालत खराब लोगों की है, और ये ज्यादा तकलीफ जो होगा 8-10 दिन ये सामान्य व्यक्ति झोपड़पट्टी स्लम में या मध्यम वर्ग नौकरी करता है उन लोगों, क्योंकि एटीएम बंद है सब बैंक बंद था ऐसा उन्होंने नहीं करना चाहिए था, 10 दिन का टाइम लोगों को पैसा चेंज करने के लिए वक्त मिलता था, बैंक में जाओ अपना 10 दिन में पैसा चेंज कर लो जितना तुमको चाहिए जरूरत है उतना, उसके बाद 10 दिन बाद व्यवहार में ये नोट बंद होने वाले तो ये अच्छा होता। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अचानक लिए गए इस फैसले से मानो भूचाल सा आ गया है। हमने बात की राजनेताओं, डॉक्टरों और आम जनता से, वहीं कांग्रेस, एमआईएम, सपा से जुड़े लोग इस फैसले से नाखुश हैं। जर्नलिस्ट सत्यम सिंह के साथ नईम अहमद, मुंबई। तो देखा आपने, कहीं डॉक्टरों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उठाया गया यह सराहनीय कदम है, तो वहीं राजनेता या कहें विरोधी पार्टी के लोगों का यह कहना है कि महज एक भाजपा द्वारा या तो कहें देश के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक नया स्टंट है, लेकिन जनता जो है इससे काफी खुश नजर आ रही है। ये तो थी राजनेताओं और जो बिजनेसमैन हैं, जो डॉक्टर्स हैं या आम नागरिक हैं उनका क्या कहना था वो आपने सुना, लेकिन इस 500 और 1,000 रुपए को लेकर कहीं ना कहीं बड़े जो व्यापारी हैं, बड़े जो उद्योगपति हैं या जो बड़ी ख्वाहिशें रखते हैं उनके कई कार्यक्रम में विघ्न पड़ रहे हैं। जैसे कि बात करें जन्मदिन की, तो एक ऐसी महिला हमारे साथ जुड़ी जिन्होंने बताया कि इस 500 और 1,000 के चक्कर में उन्होंने जन्मदिन जो है वो बहुत ही सादगी से मनाने के लिए मजबूर हो गई। उस महिला से सीधी बात की हमारी संवाददाता कल्याणी वजरकर ने, देखते हैं क्या कहना है उस महिला का।
500 और 1000 के नोटों को अचानक बंद करने की वजह से आम जनता ही नहीं बल्कि हाई क्लास के लोग भी अच्छे खासे परेशान नजर आ रहे हैं। इस सर्जिकल स्ट्राइक का असर कुछ ऐसा हो रहा है कि बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाने वाले लोग भी आज काफी सादगी से अपना जन्मदिन मना रहे हैं। एक तो ये 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, उसकी भी बहुत दुख है, इसलिए मुझे सादगी से मनाया जा रहा है मेरा बर्थडे, नहीं तो और भी अच्छे से बर्थडे मन जाता मेरा। सबसे पहले तो आज हमारे तालुका अध्यक्ष कांदेवली ईस्ट की जिन्होंने, उनको मैं हार्दिक बधाई देती हूँ, आज उनका जन्मदिन है और हम सभी पार्टी के वर्कर्स और उनके फैमिली के मेंबर्स सब आज इस बर्थडे में शामिल हुए। ये बर्थडे थोड़ा सा और बड़े पैमाने पे होता, लेकिन जैसे ही कल पता चला कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए, तो इसलिए इस बर्थडे को थोड़ा सा छोटा करना पड़ा और हम लोग लिमिटेड लोग आज जिग्ना का बर्थडे कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है और मैं इनके हस्बैंड को स्पेशली बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी वाइफ का बर्थडे भले ही सादगी से लेकिन किया, इसको कैंसिल नहीं किया। ये मार जो है पैसे की मार, छोटे से लेके बड़ा आदमी सभी झेल रहा है और बड़े दुख की बात है कि पॉलिटिकल लोग सिर्फ अपना फायदा देखते हैं, इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए इन लोगों ने ये इतना बड़ा स्टेप लिया है। अगर ऐसा कोई स्टेप लेना भी इन लोगों को, तो एटलीस्ट कम से कम महीना 15 दिन से लोगों को अलर्ट करते तब ये फैसला लेते, लेकिन सडनली ये फैसला लेने से जो बड़े तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, जो गरीब तबके के लोग उनके पास सिर्फ 500 का ही नोट होगा, जिनके पास सिर्फ 1000 का नोट होगा, वो कैसे मैनेज करेंगे अपने घर का, वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। और उनके पास स्वीप करने के लिए कार्ड नहीं होता है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि स्वीप करने के लिए कार्ड, जो लोग छोटी दुकान से सामान लेते हैं वो कार्ड क्रेडिट कार्ड ये सब कैसे यूज करेंगे, कोई अल्टरनेटिव नहीं उन लोगों के पास। तो बहुत दुखद है ये तो गरीबों के लिए स्पेशली, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने हमेशा से जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ी है और आज पीएम मोदी साहब को शायद जो कुर्सी पे आज वो बैठे हैं तो ये तकलीफ का अंदाजा उनको ना हो, लेकिन कई गरीबों में निकल के देखे तो उनको पता चलेगा कि ये पैसे की जो बंदी इन्होंने की है। कल आप लोगों ने देखा होगा एटीएम पे पढ़े लिखे समझदार लोग एक दूसरे पे गिर रहे थे, बड़ा अफसोस हो रहा था, तो गरीबों की क्या हालत होगी। आप मोदी जी ने जो कर रहे हो तो मेरा ख्याल है जहां तक गलत है, और काले धन के किसी और के काले धन के लिए गरीब आम आदमियों को क्यों तकलीफ है, वो नहीं जानते कि कौन काला धन कर रहा है कौन सही धन चला रहा है। और मेरी पब्लिक चुप क्यों है, मैं ये जानना चाहता हूँ मेरी पब्लिक चुप क्यों है और ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन और क्या काला धन करेंगे और कितना धन जमा करेंगे। कई लोग हैं 50% लोग हैं जिनका अकाउंट भी नहीं है, जो बेचारे गरीब है जो सुबह करके शाम में रोजी कमाते हैं, उनको उनका ओनर 500 की नोट देता है, शाम में कहाँ से सामान लेगा, कोई अंदर छुट्टा देने तैयार नहीं है। चलो जिसके पास है वो तो काम अपना पूरा कर रहे हैं, गरीब बंदा कहाँ से जाएगा। और किस बात के अच्छे दिन आएंगे, ये अच्छे दिन आ गए मोदी जी के, इतने अच्छे दिन है कि बस हम खुश है बिल्कुल इनके अच्छे दिन में। आपने देखा कि क्या कहना है इस परिवार का। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यम सिंह के साथ कल्याणी उजरकर, समय नेशनल, मुंबई। HDFC बैंक के सामने जहां पर आप जमावड़ा देख सकते हैं कि यहां पे कितना बड़ा जमावड़ा उमड़ा है अपने पैसे एक्सचेंज कराने के लिए। जी हां, मोदी सरकार द्वारा जो पैसे बदलने का करेंसी एक्सचेंज का मूवमेंट निकला है ताकि काला धन बाहर आए, उसके लिए ये लोग यहां पर मौजूद हैं। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहां पे मौजूद भीड़ को एक बार दर्शकों को दिखाए कि यहां पे कौन कितनी भीड़ उमड़ी है सिर्फ अपने पैसे बदलने के लिए, अमीरों और सरकार के बीच में पिसते आम आदमी। अब हम बात करेंगे यहां पे मौजूद कुछ लोगों से कि उनका नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा लिया गया ये निर्णय कैसा लग रहा है और उन पर क्या गतिविधियां आ रही हैं। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार द्वारा एक निर्णय आया है कि 500 और 1000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्या दिक्कतें हो रही है इसके? जिस तरह से प्रतिबंध लगा है वो गलत है, क्योंकि अभी आज बैंक बंद है, 3 दिन से ATM भी बंद है और 500-1000 की नोट है मगर कोई पब्लिक कुछ परचेस नहीं कर सकता है। आज कहीं भी कुछ खाने पीने के लिए भी जाएंगे तो दिक्कत खड़ी हो रही है। आज ATM भी बंद है, 100 की नोट कहीं से भी नहीं मिल रही है। आज कोई दुकानदार भी माल देने को तैयार नहीं है, तो बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो रही है। कॉमन लोगों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पर इसका एक अच्छा है कि ब्लैक मनी जो है वो बाहर निकलेगा। एंड आई थिंक मोदी जी को एक दो दिन का टाइम देना चाहिए था ताकि लाइक सडनली इट वॉज अ स्टॉप, सो वो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो आपने देखा समय नेशनल से जुड़े सभी दर्शकों के लिए हमारे संवाददाताओं की खास रिपोर्ट। कहीं राजनेता, कहीं बिजनेसमैन, तो कहीं आम नागरिक। चिंता सभी के चेहरे पर साफ झलक रही है, लेकिन खुशी भी चेहरों पर देखी जा सकती है। देखने वाली बात होगी कि क्या जिस काले धन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने बड़े कदम को उठाया है, क्या वाकई उस चीजों से भारत मुक्त हो पाता है।
आप देखते रहिए समय नेशनल।